हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैंने रात को भिगा कर रखा था मूंग, जो हरी वाली मूंग होती है ना, वो मूंग। और फिर थोड़ा सा इसमें राइस डाला था। जैसे इसका रेशो कैसा रहेगा, अगर 2 कप आपने मूंग लिया है तो 5 से 6 स्पून आपको ना राइस भी उसको भिगो के रखना है। और उसमें धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्ची, ये इसके साथ में ग्राइंड करना है। तो हम इसका बनाएंगे, मूंग का डोसा बनाएंगे, जो कि आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा बना और क्या हुआ। तो ये बैटर मेरा रेडी हो गया है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ अब पीस पास के उसको। अब मैं खाऊंगी दो भिगाती हूँ, मेरे लिए अखरोट 2 भिगाती हूँ, 8-10 बादाम है और किशमिश। पूरा बादाम मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी के लिए भिगाती हूँ। और ये मेरा हल्दी वाला पानी, हल्दी पानी 15-20 मिनट ऐसे भिगा के रहेगा जो मैंने बैटर बनाया है। और फिर मैं खा लेती हूँ, जब तक ड्राई फ्रूट्स, पानी पी लेती हूँ, फिर जाती हूँ बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। मुझे कलर भी लगाना है, फ्राइडे है, देखती हूँ लगा पाती हूँ कि नहीं, फिर लगा के देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बने रहना व्लॉग में, ठीक है। चाय पी रही हूँ क्योंकि अभी कोई नाश्ता करने वाला है नहीं, सब नहा रहे हैं भाई लोग। तो फिर मैं सोची जब तक चाय पी लेती हूँ, नहा लेंगे तब बनाऊँगी, गरम गरम ही अच्छा लगता है डोसा। तो फिर चलो मिलती हूँ चाय पी के। और यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके यहाँ पे बेडशीट लगा रहे हैं बेड को, और सावी यहाँ पे बेड के लिए भी देखती है, लगता है मम्मी देखो बेड ही गिरा देगी, ऐसे जोर जोर से उसको झाड़ रही है। और सावी हम लोग के पीछे पीछे साथ साथ में रहती है, उसको मज़ा आता है, देखती रहती है, फिर सोचती मैं भी ये करूँ वो करूँ, उसको मन करता है ये सब करने का। तो बेडशीट लगा के हो गया था, फिर मैं आ गई यहाँ पे डोसा बनाने के लिए। आप डोसे का तवा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फ्राई पैन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास डोसे का तवा नहीं है। और पीछे जो रखा हुआ है जिसपे कपड़े सुखाते हैं, वो स्टैंड है, वहाँ पे सारा बेडशीट वगैरह रख दिया है क्योंकि रूम मशीन में डालना है। तो इस बैटर में हम डालेंगे नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक यूज़ करेंगे। और फिर चटनी आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ करते हो, सबसे टमाटर की, शिंगदाने की, मतलब मूँगफली की। तो मैंने टमाटर भी पहले टमाटर का बनाया था, बाद में शिंगदाने का बनाया था, वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाना है। और ये बैटर इतना, इसका थिकनेस इतना रहना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ये क्रंची नहीं बन पाएगा और पतला भी नहीं बन पाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा उसको और थिन करने के लिए हल्का हल्का सा पानी डाल दी हूँ। और यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद फ्राई पैन में हल्का सा पानी आपको छिड़क देना है, और फिर उसके बाद कोई भी कपड़ा लेकर उसको क्लीन कर देना है। तो मैं रसोई का जो कपड़ा रहता है ना, मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे सिर्फ है ना बर्तन जो होते हैं ना गर्म वाले, उससे उतारने के लिए होता है, और उसमें कुछ हम लोग एडिशनल कुछ नहीं करते। अरे ये देखो गाइस, ये तो स्प्रेड तो अच्छे से हो गया, देखो दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो आगे बने रहना आप सब इसका रिज़ल्ट देखने के, फर्स्ट डोसा का देखो कितना अच्छा दिख रहा है देखो, और टेक्सचर भी उसका ऐसे आया है, ये और ग्रीन आता, बट मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा राइस, मतलब 6-7 स्पून राइस ऐड किया। और इसको है ना ऊपर से हल्का हल्का सा मतलब ऑयल लगाना है, बहुत हल्का हल्का सा, ताकि वो और क्रंची बनेगा और नीचे से चिपकेगा भी नहीं, वो अच्छे से निकल जाएगा डोसा। तो फिर गाइस अभी ये डोसा निकलने के बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ आगे का हाल। तो गाइस ये देखो क्या हुआ है, बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला है कि ये बहुत पतला बन गया था। और फिर फर्स्ट डोसा मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। ये साइड का जो है ना पैन का जो क्लीननेस होता है ना, थोड़ा ऑयल उस पर चिपकता है ना कोने कोने में, वो अच्छे से निकला हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा घिसेंगे ना तो वो पूरा ना ब्लैक जो है ना ये नॉन स्टिक वो सब निकल जाएगा। तो शायद उसके वजह से ऐसा हुआ है, क्लीन है बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है उसमें। तो फिर मैंने ये सेकेंड वाला बैटर, सेकेंड वाला मैंने यूज़ किया है। तो गाइस अगर वो फर्स्ट वाला जो मैंने किया ना, तो अभी इसको मैंने ढका नहीं था, अभी इसको हम ढक देंगे ना तो थोड़ा स्टीम भी लग जाएगा देखो, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हुआ, एकदम क्रंची हुआ था, ये भी क्रंची है। और वो दूसरा वाला भी मैं आप लोग को दिखाई दूँगी, ये देखो ढकने के बाद देखो कितना ईजीली निकल रहा है, देखो
चिपक ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है, क्योंकि ढकने के बाद है ना थोड़ा स्टीम उसको लगता है और नीचे से क्रंची हुआ। देखो कितना क्रंची हो गया, मैंने तोड़ के नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन साइड में देखो, बीच में देखो दरारें हो गई, मतलब क्रंची हो गया, देखो दिख रहा है ना बीच में ऐसा दरार हो गया। जब उसको मैंने ऐसे पलटा ना तो पूरा क्रंची ऐसा आवाज भी आया। तो गाइस अभी क्रंची बन रहा है, पहला वाला मतलब साइड का जो है ना इसका ना घिस के निकालना पड़ेगा, वो ना थोड़ा और चिपका चिपका ऐसा है लगता है मुझे, इसलिए साइड से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, अब अच्छा बन रहा है। फर्स्ट मुंह का पहली बार बनाया ना मैंने, तो आइडिया था नहीं, अब देखो अच्छा बन रहा है। चलो तब तक दिल भी बना लेते हैं बच्चा। गाइस सबने खा लिया, हम दो लोग बाकी है, तो अभी मैं खा रही हूँ और एक रखा है मैंने तवे पे। भी खा के मिलते हैं। मैंने ये बना लिया, क्या बोलते हैं इसकी चटनी, सिंगदाने की, टमाटर की ख़त्म हुई, चल सिंगदाने की बना ले, चलेगा। हाँ तभी तो बोली तुझे खा ले, तू बोली यही, मम्मी बोली सिंगदाना बनाने के लिए बना दिया, खाई टमाटर से खा लीजिएगा। लाइट आ रहा वाली हूँ, बाल नहीं बनाए हूँ, बाल बनाऊंगी फिर आऊंगी, लाइव आती हूँ मैं, एक घंटे आऊंगी, देखते हैं। आज ना सबका चैनल चेक करते हैं, ब्लॉगिंग वाले सब आओ लाइव। हाँ अभी तो मैं इसमें बता रही हूँ, लेकिन ये तो वीडियो बाद में जाएगा, ऐसे बता दे रही हूँ फिर क्या करना है। कलर मैंने नहीं लगाया, संडे लगाऊंगी कलर। तो चलो मिलते हैं लंच करने के बाद। आज लंच टाइम हो गया, आलू परवर दाल राइस, इतना देखो देखो मिर्ची वाला अचार, ये भी खा रहे थे मुझे। गाइस ये देखो मेरा बाबू है, बाबू नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, इसका मूड ही नहीं नमस्ते करने का, तो करता है। देखो भयानक बारिश हो रही, दिखाओ मतलब पहले से तो कम हो गई है, ये देखो धूप हो ही नहीं रही है, यहाँ पे पोछा लग रहा है, पोछा धूप हो ही नहीं रही है। मुंबई में पूरा बाढ़ बाढ़ आ गया है, बाढ़ पूरा ट्रैक वगैरह सब भर गया है बेटा, पूरा रेलवे ट्रैक वगैरह सब भर गया है मुंबई में। और फिर मुझे जाना है कल इंटरव्यू के लिए भी, देखते हैं। वेस्टर्न में जाना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वेस्टर्न में थोड़ा कम प्रॉब्लम है बारिश का। बाबू नमस्ते करो, नो 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 नो, मजे खींचे, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो गाइस को, नमस्ते करो। नहीं करेगा, मूड नहीं है तब नहीं करता है। तो गाइस मेरा चाय पानी हो गया मैं लाए हुए थे, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। क्या लिए हो, किसका सॉक्स है, रखो धुला हुआ सॉक्स है, वो दादी का है क्या, रख दो। बुआ खींच करो, बुआ खींच करो, बुआ खींच करो, कैमरे में तो कुछ नहीं करेगा ये। शाम के बज गए 6, ये देखो बाबू की मस्ती, और ये है सावी। क्या हुआ, क्या कहा है, मास्क, मास्क क्या होता है, मास्क बोली, मास्क आजा मेरे पास आ। किसका चश्मा, दादी का, ला भाई कल लग गया था तुझे चश्मे सही, ला दो, जा पहले दादी को दे दो। ची क्या कर रही हो, ए गंदी मारूंगी, नो जी एक करके यहाँ मार कर रही है। बुआ का दो, दादी का, दादी का दो, दो सो के आई हो ना, कट्टी क्या कर रही हो, बाबू उसमें नहीं दिख रहा है। तो गाइस चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो अच्छा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, बाय कर दो, बाय बाय करो, नमस्ते करो, नमस्ते, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो ना प्लीज, नमस्ते करो, जय करो, जय जय करो, जय करो, नहीं मुड़ेगा, चलो बाय बाय।